हेलो डी फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग देखो क्या होता है। और ये गाइस, ये देखो मेरे पसीने। तो गाइस, आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता है 52 डिग्री है। आपके दोपहर तक जाएंगे 52 डिग्री दिल्ली में है टेम्परेचर। भाई इतनी गर्मी मैं 6 साल में पहली बार यहाँ पे मैं देखी हूँ। 6 साल में बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। मतलब दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री भाग गया है। और मौसम विभाग से पता चल रहा है कि 20 तारीख के बाद बारिश आएगी, मतलब मानसून स्टार्ट हो जाएगी। अब पता नहीं यार, पहले भी सुन रही थी कि मानसून 21 तारीख से स्टार्ट हो रही, 15 तारीख के बाद से, पर मानसून स्टार्ट हो गई। मैं नहा करके पूजा भी कर ली। आप देखो चंदन भी लगा होगा, और देखो इस हालत में देखो कैसी हो रखी हुई है। अभी मैं किचन में भी हूँ, किचन में हूँ, और एसी तो काम नहीं कर रहे हैं यार। इतने गर्मी में ना एसी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना कि पूरे दीवार सब गर्म हो जा रहे हैं। और एसी का जो टेम्परेचर होता है ठंडा होने का, वो बहुत लेट से काम हो रहा है। फिलहाल तो मैं अभी खाना बना रही हूँ, और बनने के लिए रोटी बना रही हूँ। उसके लिए दूध रोटी देने हो जा रही हूँ देने, और इसी को भी ब्रेकफास्ट दे दी हूँ मैं। वैसे आज लेट हो गई है मुझे, 10 बज रहा है अभी। अगर कोई गेस्ट आ गए थे तो उन्हें हम लोग लग गए थे। तो मैं चंद्र को बना बने रहो, आप सब लोग क्या होते हैं, आप लोगों को पैसा लग चलेगा। और प्लीज़ लाइक आप लोग मेरे वीडियो चैनल और सब वीडियो का बहुत प्यार दो आप लोग। गाइस ठीक है, लगे रहो आप लोग, बने रहो सॉरी। तो गाइस आपको मैं दिखा सकती हूँ, अभी ठीक ठाक हो रहा है मौसम, क्योंकि लग रहा है बारिश जैसा। बारिश होगा अभी नहीं, ठीक है, बारिश होगा 20 तारीख के बाद ही होगा, पर अभी छेका हुआ है, मतलब बारिश घिरा हुआ है। फिर भी इतनी पैर जल रही है ना फर्श से, बहुत पैर जल रही है, बहुत ज़्यादा कड़क धूप है यार, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आज मेरा खाना में लेट बने हो गया था, क्योंकि आज ज़रा पंडित जी आए हुए थे मेरे घर पे और कुछ काम का था। और गर्म गर्म इतना हवा चल रहा है ना, इतना हवा गर्म हो चल रहा है, क्या है बताओ। फिर धूप इतनी है ना, इसलिए अब इतना हवा कितना चल रहा है। बनी गया सोया हुआ फर्श भी हो गया बहुत ठंडा। ए चल बेटा नहाने चलो, ट्यूशन जाने से आएगा, चलो इसका 4-3 दिन ट्यूशन नहीं जाएगा। कल भी बंद था, परसों बंद था, चलो नहाने चलो। तने रिमोट किधर गया? तो गाइस यहाँ पे लोग गर्मी की वजह से मर रहे हैं, फिट मार रहा है सबको, लू लग रहे हैं सबको। अब मेरी बेटी को देख लीजिए, मेरी बेटी कह रही है मम्मा मुझे ठंड लग रही नहाने से, यहाँ पर टंकी का पानी खोल खोल गया है। और मेरी बेटी को देखो दुपट्टा ओढ़ के बैठी हुई है। हाँ आप पहली बार देख रहे हो ना, 50 डिग्री पे जो वो गर्मी है फिर भी उस पर ठंड लग रही है, मतलब इसमें ठंडा कैसे जाता होगा। जबकि अभी ना आई है, क्योंकि सुबह में तो गर्मी वैसे भी रहती है। मैं सोची कि भाई शाम को नमा दूंगी थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा दिमाग ठंडा रहेगा, वैसे भी इसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। कहती है मुझे मैं मेरा दिमाग छू के देखो गर्म है, अभी से इसको इतना दिमाग गर्म रहता है। चलो गाइस सुबह ट्यूशन छोड़ के आते हूँ, आज तो बहुत ही गर्मी बहुत। अब देखो तुम्हें ठंडी क्यों लग रही थी, मास्क को देखो बाहर घुमाने लाए थे बगैर पट्टा का, अब बताने क्या क्या मुंह में रखा हुआ है। बनी ये क्या रखा है बोतल में, बोतल रखो, फेंको फेंको अंदर चल, इतना बदमाश इतना लड़का, क्या कहा क्या कर रहा था अंदर। देखो यहाँ पानी हमेशा गिरा रहता है, आज पानी नहीं गिरा है, वही ढूंढ रहा है। गाइस अभी मैं छत पे आई हूँ और आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये दिल्ली में इतनी गर्मी की वजह से सारे के सारे पौधे हमारे सूख गए हैं, सारे मेहनत खराब, मम्मी जी का जो इतने, और ये
हवा शाम को चल रही है, मस्त चल रही है। और यही है, गर्म गर्म हवा चल रही है, यही बारिश हुई रहती तो ठंड लगती। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपने पौधे, क्या हालत हो रखी हुई पौधे को। तो ये गाइस देखो, ये कभी हरा होता मतलब ग्रीन होता होता पत्ता, अभी देखो कैसा हो गया। पानी तो रोज़ दिलाता है पर देखो ये जल गए पूरे धूप की वजह से ही। देखो पूरे इसके क्रिप्सी हो गए, देख रहे हो। देखो ये यहाँ पे देखो, ये थोड़ा ठीक है क्योंकि धूप इधर कम लगता है, जहाँ जहाँ ज़्यादा लगता है वहाँ पे ही। देखो ये पौधे देखो, ये मेरा गुलाब का फूल पूरे जल गए हैं पूरे। ये देखो ये भी गेंदे का फूल सब जल गए हैं देखो, ठीक है। और ये देखो ये भी अरहल का फूल है, ये भी पूरा ख़राब हो रखे हुए हैं, ये पीले पड़ रखे हुए हैं, ये सारे के सारे सूख गए हैं पौधे। ये देखो सिर्फ धूप की वजह से, ये देखो ये देखो ये लटकने वाले फूल हैं, ये सारे के सारे सूख गए हैं। मतलब क्या बताएं, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि इस पौधे में अगर पानी भी दिया जा रहा है ना फिर भी पौधे सूख जा रहे हैं सिर्फ धूप की वजह से। गाइस ये केला सूख गया था, इसको भी हटा दिया गया है, मिट्टी यहाँ पर मम्मी जी अलग निकाल दी है। तो इस जगह को अभी लेने का टाइम अभी आधा घंटा बाद है, तब तक मैं नीचे का सब झाड़ू लगा लेती हूँ थोड़ा, कि बहुत गंदगी हो जाती है ना, दिन भर का झाड़ू लगता है, काम वाली आती है, पर जो बनी है ना वो सारी चीज़ें उसके बाल वगैरह इतने सारे हैं ना सब वो हो जाते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ। अब हवा इतनी चल रही है पर यही है, अगर यही ठंडी ठंडी हवा चलती ना तो बड़ा मज़ा आता। मैं जा रही हूँ नीचे, पहले